कमांडो 2 रिलीज हो चुकी है लेकिन लगता है लोगों को ये फिल्म कुछ खास अच्छी नहीं लगी क्योंकि उन्हें इस फिल्म का डायरेक्शन कुछ वीक लगा। इसके साथ ही लोग कमांडो 2 से ज्यादा कमांडो 1 को हर महीने में ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। ये वाली इससे 10 टाइम्स बेटर थी, ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे। परफॉर्मेंस में इतना इम्पैक्ट आया नहीं, मतलब इनका प्लॉट इतना अच्छा था कि कैसे ब्लैक मनी ने इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, फार्मर्स हमारे कितने भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, तो इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं। स्टोरी बहुत अच्छी थी लेकिन देवेन भोजानी ने उतना अच्छा डायरेक्शन किया नहीं, तो पहली वाली इससे ज़्यादा अच्छी थी। मूवी इतनी अच्छी नहीं थी, वन ज़्यादा अच्छी थी। वन की स्टोरी एक्शन नया था, इसमें नयापन नहीं था। एंड टू बी वेरी ट्रू कमांडो वन, मतलब कमांडो इज द बेस्ट मूवी जो मैंने पहले देखी थी विदुत सर के साथ, एंड इससे बहुत बेटर हो सकती थी। मुझे सिर्फ ठाकुर अनूप सिंह पसंद आया, विद्युत जामवाल अच्छा लगा, और फर्स्ट पार्ट ज़्यादा बेहतर था, सेकेंड पार्ट में मज़ा नहीं आया। बजट ज़्यादा इस फिल्म का लेकिन मज़ा नहीं। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था। तो ये कमांडो 1 और कमांडो 2 से कौन सी बेटर लगी? मुझे तो कमांडो 1 भी अच्छा लगे और 2 भी अच्छे लगे। स्टोरी सुपर, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो ब्लैक मनी के बारे में दिखाया गया, अभी उसके बारे में सारी चीज़ें। सर लोग ज़्यादा कमांडो 1 को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमांडो 2 देखने के बाद इसको अपडेट करेंगे। उसमें एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं दिखाई गई थी, इसमें जो ब्लैक मनी का मुद्दा उसको उठाया गया था सुपर।